मोहब्बत और इबरत की एक शानदार मिसाल बाली का महल। खैरपुर के नज़दीक वाक़िया ये महल क्या है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये खैरपुर के नज़दीक एक महल है जिसे बाली का महल कहा जाता है। अब यहाँ पे कोई रहायश पज़ीर नहीं है, बिल्कुल खाली और वीरान है। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये सीढ़ियाँ हैं जो अंदर तक जाती हैं। ये चाचा जी यहाँ पे खिदमत करते हैं, इस महल की सफाई शफाई का ख्याल करते हैं। और ये इसका पहला हाल है। हम देखें, ये कई दरवाज़े हैं इसके। छत पे खूबसूरत काम हुआ है और ये सारा शीशे पे मुश्तमिल है। दीवारों पे इसके नक्शो निगार हैं और मरकज़ी हाल की तरफ इसके कई दरवाज़े हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अंदर इसके 20 दरवाजे हैं। 20 है। अच्छा, और ये है जी महल का मरकजी हाल। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अब यहाँ पे अंधेरा है, नहीं तो आप इसका अंदाज़ा कर सकें कि ये कितनी मेहनत से तैयार किया गया है। तो कच्चा कच्चा है ये, सारी कच्ची आई शाम। अच्छा, कच्ची ईंटों का बना है। जी हाँ। वाह, खूबसूरत है माशाल्लाह। देखो इसके शीशे का काम छत पे हुआ है और तहाई बारीक बीनी से ये काम हुआ है। और इसके ये 20 दरवाजे बता रहे हैं, अंदर 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 इसके ये 20 दरवाजे हैं। ये इसका मरकजी हाल है और इसके चारों तरफ भी हाल ही हैं। एक तरफ ये हाल है, ये थोड़ा निस्बतन छोटा है, चौड़ाई में है, और ये वाला हाल जो है ये लंबाई में है। जी, कहाँ दिखा रहे थे आप? तुम्हारे को। अच्छा जी, ये चाचा हमें दिखाएंगे कि ये कच्ची ईंट का बना हुआ है, पक्की ईंट का नहीं बना हुआ। ये जो है ये कच्ची ईंट का बना हुआ है, ये वाकई सच है। और उसकी तरफ जो आखिर में वो कमरा है, वहाँ पर भी ये वॉशरूम और गुसल खाने का इंतज़ाम है। ये किसी दौर में इस्तेमाल होता रहा है और अब ये बिल्कुल टूटी हुई हालत में है। इस वॉशरूम से ये शायद उनका बेडरूम हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये चिमनी भी है आग वाली। और ये इसके साथ एक और कमरा, इसकी दरमियान से पार्टीशन हुई है। और ये सारे दरवाज़े इस मरकज़ी हाल के अंदर खुलते हैं, यानी मरकज़ी हाल का हर दरवाज़े के साथ, हर कमरे के साथ जो है वो एक ताल्लुक है। ये भी लग रहा है कि एक बेडरूम है और ये एक कमरा, और उसके साथ उसी के तरह का ये वॉशरूम है। और ये बिल्कुल खाली होता है, कोई यहाँ पे रहता नहीं है, बिल्कुल खामोशी यहाँ होती है। ये हम दोबारा मरकज़ी हाल में आ गए हैं। अभी अंधेरा है, इसको आपको सही रोशनी का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ खड़े होकर इंसान देख सकता है कितनी मेहनत से इसे तैयार किया गया है। बोर्ची खाना है। अच्छा, बोर्ची खाना भी है। जी। वो अब हम देखते हैं कि वो किस तरफ है। ये चाचा जी हमें दिखाएंगे ये बोर्ची खाना। अच्छा, ये जी बोर्ची खाना है उस ज़माने का। ये जैसे पानी लाने के निकल। अच्छा, ये पानी की निकासी का इंतज़ाम था यहाँ पे। बहुत खूब। ये इस तरफ क्या है चाचा? ये इधर नौकर जो को बोर्ची आने इधर बाहर। अच्छा, कोई नौक, ठीक है, कोई नौकर और मुलाजिम वगैरह जो थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। जी माशाल्लाह। ये इसकी बनावट आप देखें, लकड़ी का खूबसूरत काम हुआ है दरवाज़ों पे, और हवा की आमदोरफ्त का भी खसूसी इंतज़ाम है। आप देखें तो हर जगह पे आपको रोशनदान नज़र आएंगे, हर दरवाज़े के ऊपर रोशनदान है जो हवा की आमदोरफ्त के काम आता था। बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह।
ये इसकी सीढ़ियां हैं जो ऊपर की जानिब जा रही हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। अच्छा, अब यहाँ से आगे सीढ़ियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं। ये इसका एक मरकजी दरवाज़ा है।